तो दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों आप घर बैठे अपने मोबाइल से न्यू पैन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों बने रहे वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक, और दोस्तों आप चैनल पर नए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब एंड साथ में बेल आइकन को प्रेस। तो दोस्तों बिना देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में कौन सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो दोस्तों जैसा कि मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको सर्च वाले बार में आपको सर्च करना है NSDL पैन कार्ड। तो दोस्तों आपको ये लिखकर सर्च कर देना है। फिर उसके बाद दोस्तों आपके सामने एक न्यू साइट खुलेगी, ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन NSDL। तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन आपको इस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन टाइप में दोस्तों यहाँ पर आपको नेव पेन इंडियन सिटीजन, तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे कैटेगरी में दोस्तों यहाँ पर आपको इंडिविजुअल, तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जिसके भी लिए आप बना रहे हो, पुरुष महिला जिस दोस्तों मतलब लड़की कोई भी हो, तो दोस्तों आप यहाँ पर मैं जैसे कि श्री को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर उसके बाद दोस्तों आपको जिसके लिए बना रहे दोस्तों उसका जो लास्ट नेम है दोस्तों यहाँ पर आपको फिल करना है। तो दोस्तों मैं अपना जो लास्ट नेम है यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। लास्ट नेम फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप जिसका भी बना रहे उसका जो फर्स्ट नेम है वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। फर्स्ट नेम फिल कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो जिसके लिए बना रहे दोस्तों उसका जो मिडल नेम है यहाँ पर फिल करना होगा, अगर हो तो। अगर नहीं है तो दोस्तों आप इसे छोड़ भी सकते हो। और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जिसके भी लिए बना रहे हो दोस्तों उसका जो डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों वो यहाँ पर आपको डालना होगा। तो दोस्तों मैं अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर डाल लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे ईमेल आईडी डालना होगा अपना। तो दोस्तों मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डाल लेता हूँ। ईमेल आईडी डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों आपको नीचे यहाँ पर जो बॉक्स दिखेगा दोस्तों आपको इस बॉक्स पर टिक करना है। और फिर उसके बाद दोस्तों आपको नीचे यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिख रहा है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। कैप्चा कोड को डालने के बाद दोस्तों आपको नीचे सबमिट बटन पर क्लिक करना है। और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक टोकन नंबर देगा, तो दोस्तों आप इस टोकन नंबर का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर कहाँ पर लिख भी सकते हो। और फिर उसके बाद दोस्तों आपको नीचे कंटिन्यू विद पेन एप्लीकेशन फॉर्म, तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है। और फिर उसके बाद दोस्तों आपके सामने आपका पेन कार्ड का मतलब एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबमिट डिजिटली थ्रू EKYC, तो दोस्तों आपको इस पर टिक करना है। और फिर उसके बाद दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करना है। और फिर दोस्तों उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके आधार कार्ड के जो लास्ट के 4 डिजिट है यहाँ पर डालना होगा। तो दोस्तों मैं अपना जो आधार कार्ड के 4 डिजिट है यहाँ पर डाल लेता हूँ। आधार कार्ड के 4 डिजिट डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे यस पर क्लिक करना है। और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेम अस पर, तो दोस्तों यहाँ पर आप नेम डालने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आपके आधार कार्ड से ये ले लेगा। और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डला होगा टाइटल नहीं, ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। और फिर उसके बाद दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करना है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मेल को सिलेक्ट कर लेना है। आप जिसके लिए बना रहे दोस्तों आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं मेल के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर उसके बाद दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको नो कर देना है। और दोस्तों उसके भी नीचे भी नो को सिलेक्ट करना है। और फिर उसके बाद दोस्तों आपको जिसके लिए बना रहे उसका जो फादर्स नेम है वो यहाँ पर डालना है। तो दोस्तों फादर्स का जो लास्ट नेम है वो यहाँ पर डालना है। तो दोस्तों मैं डाल लेता हूँ यहाँ पर।
उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे फर्स्ट नेम डालना है फादर्स का, तो दोस्तों मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। लास्ट नेम फर्स्ट नेम डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे मिडल नेम है तो डाल सकते हो, अगर नहीं है तो दोस्तों आप छोड़ भी सकते हो। और फिर उसके बाद दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करना है और फिर उसके बाद दोस्तों आपको नीचे नेक्स्ट आपको इस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको सोर्स ऑफ इनकम, तो दोस्तों आप पैसा नहीं कमाते दोस्तों आपको नो इनकम को क्लिक कर देना है। और फिर उसके बाद दोस्तों आपको जो एड्रेस है दोस्तों ऑटोमेटिकली ले लेगा, आप डालने की ज़रूरत नहीं, आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और फिर उसके बाद दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करना है और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको, तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपना कंट्री का जो कोड है वो डाल लेता हूँ, यहाँ पर इंडिया, तो दोस्तों एसटीडी कोड है तो डाल दो, अगर नहीं है तो दोस्तों छोड़ सकते हो। और फिर उसके बाद दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करना है और फिर दोस्तों आपको नीचे नेक्स्ट आपको इस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एरिया कोड, एओ टाइप और रेंज कोड और एओ नंबर, तो दोस्तों ये डालने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर इंडियन सिटीजन आपको इस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका अपना जो स्टेट है वो यहाँ पर डाल लेना है और फिर उसके बाद दोस्तों आपको अपना जो सिटी है दोस्तों वो डाल लेना है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एओ कोड आ जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हो इस तरह से, तो दोस्तों मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल इस पर क्लिक करना है, नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिलेक्ट आपको हिम सेल्फ या हर सेल्फ आपको इस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद दोस्तों आप जहाँ से फॉर्म भर रहे हो उस प्लेस का नाम लिख देना है। प्लेस का नाम डालने के बाद दोस्तों आपको नीचे सबमिट बटन पर क्लिक करना है और फिर उसके बाद दोस्तों आपके सामने एक न्यू फॉर्म खुलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड के जो लास्ट फर्स्ट के 8 डिजिट नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। तो दोस्तों मैं अपना जो आधार कार्ड के 8 डिजिट है वो डाल लेता हूँ यहाँ पर। आधार कार्ड के 8 डिजिट नंबर डालने के बाद दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करना है। तो दोस्तों आपके आधार कार्ड में जो नेम है दोस्तों यहाँ पर अगर आपके आधार कार्ड से ले लिया जाएगा, आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करना है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कि दोस्तों यहाँ पर आपने जो जानकारी डाली वो सभी सही है कि नहीं है, आप देख सकते हो इस तरह से। अगर दोस्तों आपके कोई जानकारी गलत है दोस्तों तो आप नीचे एडिट का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करके आप जानकारी को एडिट भी कर सकते हो। फिर उसके बाद दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करते रहना है और फिर उसके बाद दोस्तों आपको नीचे प्रोसीड आपको इस पर क्लिक करना है। अगर दोस्तों आपके कोई जानकारी में गलती है तो दोस्तों आप नीचे एडिट पर क्लिक करके जानकारी को एडिट भी कर सकते हो। तो दोस्तों मेरे कोई जानकारी गलती नहीं है तो दोस्तों मैं नीचे प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ। फिर उसके बाद दोस्तों आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। तो दोस्तों आपको अपना जो पेमेंट का मेथड है वो चूज़ करना होगा। तो दोस्तों मैं अपना जो पेमेंट का मेथड है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर अमाउंट दिखा देगा आपको कितना अमाउंट कटेगा, 106.19 रुपीज़। और फिर उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आई अग्री द टर्म्स ऑफ सर्विस, तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है और फिर उसके बाद दोस्तों आपको प्रोसीड टू पेमेंट आपको इस पर क्लिक करना है। और फिर उसके बाद दोस्तों आपको नीचे पे कन्फर्म आपको इस पर क्लिक करना है।
और फिर उसके बाद दोस्तों आप किस तरह से पेमेंट करना चाहते हो, तो दोस्तों मैं डेबिट कार्ड की तरह डेबिट कार्ड से करना चाहता हूँ पेमेंट, तो दोस्तों आपको डेबिट कार्ड इस पर क्लिक करना है। और फिर उसके बाद दोस्तों आपको जो डेबिट कार्ड का नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना होगा, तो दोस्तों मैं अपना कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पर डाल लेता हूँ। और फिर उसके बाद दोस्तों आपका जो कार्ड का वैलिडिटी है वो यहाँ पर आपको डालना होगा, तो दोस्तों मैं कार्ड की वैलिडिटी यहाँ पर डाल लेता हूँ। और फिर उसके बाद दोस्तों आपको अपना CVV डालना होगा। CVV डालने के बाद दोस्तों आपको नीचे पे आपको इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों प्रोसेसिंग हो रहा है पेमेंट। और फिर उसके बाद दोस्तों आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर एक OTP आएगा, आप देख सकते हो। तो दोस्तों आपको यहाँ पर OTP फिल करना होगा। OTP फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे सबमिट OTP आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको वेट करना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर रिफ्रेश भी नहीं करना है, एक मिनट वेट करना है। फिर उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन स्टेटस दिखा देगा, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर आ जाएंगे। और फिर उसके बाद दोस्तों आपको नीचे कंटिन्यू आपको इस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करना है। और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक चेकबॉक्स आएगा, आपको इस पर टिक करना है। और फिर उसके बाद दोस्तों आपको नीचे ऑथेंटिकेट पर क्लिक करना है। दोस्तों और फिर उसके बाद दोस्तों आपको कंटिन्यू विद EKYC आपको EKYC करना होगा, तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है। और फिर उसके बाद दोस्तों आपको एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर फिल करना होगा। OTP को फिल करने के बाद दोस्तों आपको नीचे सबमिट आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे कंटिन्यू विद E-Sign आपको इस पर क्लिक करना है। दोस्तों फिर उसके बाद कुछ लोड होगा दोस्तों। और फिर उसके बाद दोस्तों आपको नीचे यहाँ पर जो चेक बॉक्स है दोस्तों आपको इस पर टिक करना है। और फिर उसके बाद दोस्तों आपको नीचे अपना जो आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना होगा, तो दोस्तों मैं अपना आधार कार्ड का नंबर डाल लेता हूँ यहाँ पर। आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद दोस्तों आपको नीचे सेंड OTP आपको इस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आपके आधार कार्ड पर जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP भेजा जाएगा, वो आपको यहाँ पर डालना होगा। OTP फिल करने के बाद दोस्तों आपको नीचे वेरीफाई OTP आपको इस पर क्लिक करना है। और फिर उसके बाद दोस्तों कुछ लोडिंग होगा ये। उसके बाद दोस्तों आपका पेन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और फिर उसके बाद दोस्तों आपका जो फॉर्म है वो आ जाएगा। दोस्तों आप फॉर्म को आपने जो फॉर्म भरा है उसका PDF आ जाएगा। आप फॉर्म यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हो, डाउनलोड PDF पर क्लिक करके यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर डाउनलोड भी कर सकते हो इस तरह से। तो दोस्तों आपका जो पासवर्ड है यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा, तो दोस्तों तो आपका जो पासवर्ड है आपका जो डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों वो यहाँ पर डालना होगा लाइन वार से। डेट ऑफ बर्थ लाइन वार से डालने के बाद दोस्तों आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा इस तरह से। देखो देख सकते हो दोस्तों आप।
तो दोस्तों आप यहाँ से डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हो आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ से इस तरह से। तो दोस्तों घंटे दो घंटे बाद दोस्तों आपने जो ईमेल आईडी दिया था पैन कार्ड बनाते वक्त दोस्तों उस पर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दोस्तों आपको पैन कार्ड भेज दिया जाएगा। दोस्तों आपको मैं दिखा देता हूँ इस तरह से। दोस्तों मेरे पास मेल आ गया था 4:37 पर दोस्तों ये वाला मेल। तो दोस्तों इसे मैंने ओपन किया था दोस्तों, यहाँ पर पासवर्ड मांगा गया। तो पासवर्ड दोस्तों आपका वही होगा दोस्तों, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ना वही आपका पासवर्ड होगा। तो दोस्तों मैंने ओपन किया जब, तो दोस्तों ये वाला पैन कार्ड कुछ इस तरह से था दोस्तों, देखते हो देख सकते हो दोस्तों आप इस तरह से। तो दोस्तों आपका भी पैन कार्ड आपके घंटे दो घंटे बाद दोस्तों आपने जो ईमेल आईडी दिया उस पर भेज दिया जाएगा। और दोस्तों आपका जो फिजिकल पैन कार्ड है दोस्तों वो आपको पोस्ट के थ्रू दोस्तों 10 से 15 दिनों में आपके घर पर पोस्ट कर दिया जाएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।